दोस्तों इंस्टाग्राम पे ये बॉल पेन वाला रील बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और इसे बनाना भी काफी आसान है। तो चलिए सबसे पहले आप रील देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे बनाना कैसे है। दोस्तों ये वाला रील बहुत ही छोटा और बहुत ही ऑसम सा रील है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए बस VN ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर में बहुत ही इजीली मिल जाता है। इसके साथ ही साथ आपको चाहिए अपना एक दमदार फोटो, ये दोनों चीज होते ही यू गुड टू गो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, लेकिन उससे पहले ध्यान दो अपने भाई की ओर। दोस्तों मेरा नाम है सोहेल, आप देख रहे हो स्मार्ट यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको हर टाइप का एडिट मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये वाला वीडियो हम बनाएंगे VN एप्लीकेशन में, तो सबसे पहले हम VN एप्लीकेशन को खोल लेते हैं। सो VN को खोलने के बाद आपको इस प्लस वाला ऑप्शन में जाके न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे जाना है। दोस्तों अब आपको यहाँ से दो चीजें सिलेक्ट करना है, पहला तो है वो बॉल पेन वाला वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड देन आपको सिलेक्ट करना है अपना एक फोटो, ये दोनों चीजें मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोनों चीजें सिलेक्ट करने के बाद आपको इस एरो पे क्लिक करना है एंड देन आपकी एडिट शुरू। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको पहला स्टेप क्या करना है, यहाँ पे आपका जो फोटो है फोटो पे जाना है एंड देन फोटो का ड्यूरेशन आपको बढ़ा देना है। फोटो पे टैप करना है और इसका आखिरी हिस्सा पकड़ के इस तरीके से इसका ड्यूरेशन बढ़ा देना है। ड्यूरेशन यहाँ पे दिखा रहा है ये देखो, तो इसका ड्यूरेशन आपको रखना है 2.07 सेकेंड। ओके अब एंड में ये जो ब्लैक वाला हिस्सा आएगा इसे आपको नीचे की तरफ ड्रैग करके डिलीट कर देना है। अब आपको अपनी फोटो में इफेक्ट डालना है। इफेक्ट डालने के लिए आपको यहाँ पे इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे ढेर सारा इफेक्ट खुल जाएगा, आप कोई भी इफेक्ट डाल सकते हो। चलो यहाँ पे ये जिटल वाला इफेक्ट ट्राई कर सकते हैं। एंड इफेक्ट डालने के बाद इफेक्ट पे टैप करके आपको इसे सामने की तरफ ला के छोड़ देना है और इफेक्ट का ड्यूरेशन अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो इफेक्ट पे टैप करके इसको इस तरीके से बढ़ा देना है। ठीक है, इतना सा करने के बाद आपको डन करके बाहर आ जाना है। तो यहाँ पे वीडियो के बाद आपका फोटो भी आ गया, उसमें इफेक्ट भी डल गया। अब लास्ट वाला जो काम है वो है म्यूजिक डालना। म्यूजिक लाने के लिए आपको इस प्लस म्यूजिक वाला ऑप्शन पे जाके म्यूजिक पे जाना है एंड देन आपको इस प्लस म्यूजिक वाला ऑप्शन पे जाके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो वाला ऑप्शन पे जाना है। ओके, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में म्यूजिक वीडियो की लिंक दे रखा है, उसमें टेलीग्राम चैनल, तो आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे म्यूजिक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस ओके पे क्लिक करना है एंड देन वो म्यूजिक यहाँ पे पहले ही नंबर पे आ जाएगा। तो म्यूजिक पे टैप करके आपको यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और म्यूजिक आपकी वीडियो में आ जाएगा और आपकी वीडियो कंप्लीटली बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ओके, तो हमारा छोटा सा ट्रेंडिंग वीडियो बहुत ही ऑसम तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए आपको इस एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिजिनल वाला ऑप्शन ऑन रहेगा, इसे आपको ऑफ करके रेजोल्यूशन को 1080p और फ्रेम रेट को 60fps करके टिक पे क्लिक करना है और कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट करते ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव होने लग पड़ेगी। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो क्या ही बताऊं भाई, क्या ही बताऊं मैं, आप नहीं फॉलो करते आपकी गलती है भाई। जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, फॉलो कर लो और मुझे अपनी पोस्ट में टैग भी करना ताकि मैं आपकी पोस्ट देख सकूं और अगर अच्छी लगी तो मैं शाउट आउट भी देता हूँ। यार जल्दी से फॉलो कर लो, नीचे आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, जल्दी से सर्च करके फॉलो कर लो और वैसे भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।